हेलो जी सारे, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और वेलकम हो गया आप सभी के इस न्यू शानदार वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं यार प्लेसमेंट से रिगार्डिंग, और आज हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े हुए हैं शिवांश वाशु, जो कि कमला नेहरू इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के ही स्टूडेंट हैं और मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हैं। तो इन्होंने थर्ड ईयर में रहते हुए प्लेसमेंट ग्रैब की है ऑफ कैंपस। तो जानने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने ग्रैब की है, और थर्ड ईयर में होना यार इट्स एन अचीवमेंट, और वो अचीवमेंट से कम नहीं है। तो चलिए शिवांश के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, हाय एवरीवन न्यू। सो माय नेम इज शिवांश एंड आई एम करंटली थर्ड ईयर स्टूडेंट। क्योंकि अभी थर्ड ईयर का रिजल्ट आया नहीं है, तो आई काउंट माई सेल्फ इन थर्ड ईयर ओनली। लाइक थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने लाइक स्कूलिंग अपने नॉर्मल विलेज से ही की है, मेरे सिटी में जो स्कूल था वहीं से किया है। उसके बाद से मैंने ड्रॉप किया था एंड देन मतलब मेरे को CSE लेना ही था, CSIT ही लेना था। सो आई गॉट अ डिसेंट परसेंटाइल, लाइक 96 था मेरा। बट द थिंग इज कि CSIT के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए इज अ लिटिल बिट टफ टास्क। सो आई गॉट अ AKTU कॉलेज एंड आई केम टू KNIT सुल्तानपुर। ग्रेट, नाइस इंट्रोडक्शन शिवांश। तो यार हम सभी इस बात से क्यूरियस हैं, जानना चाह रहे हैं कि कैसे तुमको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला। हाउ यू गेट टू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी? लाइक देखो, सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं जो कोई भी कोडर CSE स्टूडेंट जानता ही होगा मोस्टली, पर मैं बता देता हूँ। नंबर वन कि तुम्हारी कोडिंग या DSA सबसे स्ट्रांग करो, ठीक है, जिससे तुम्हें मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल, फांग कंपनीज, इन सब में जॉब लगेगी। नंबर टू, प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट्स जितने अच्छे बनाओगे, अलग अलग स्टैक्स, फ्रेमवर्क, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग सीखो, जिससे तुम्हारा डायरेक्ट प्लेसमेंट होगा स्टार्टअप्स में। क्योंकि स्टार्टअप्स को तुरंत काम करवाना होता है, उन्हें ज़्यादा ऐसे एफिशिएंसी पे काम नहीं करना होता है, ऑप्टिमाइजेशन पे काम नहीं करता होता है, उन्हें एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना होता है पहले, तो वो स्टार्टअप्स तुम्हें हायर करेंगी, ठीक है। तो मेरा कोडिंग उतना स्ट्रांग नहीं था, DSA उतना स्ट्रांग है नहीं अभी, मेरे को बस बेसिक एरे स्ट्रिंग के अच्छे क्वेश्चंस और लिंक लिस्ट वगैरह ये सब आते हैं, ग्राफ ट्री ये सब मेरे को अभी नहीं आता, ठीक है। 200 क्वेश्चन ओवरऑल मैंने लगाया होगा अच्छे खासे, ठीक है। अब मेरा प्रोजेक्ट वाला पार्ट इज वेरी स्ट्रांग, बहुत सही था मेरा, मतलब मॉन्स्टैक मेरे को अच्छे से आती है, जेंगो आती है, AWS वगैरह आती है, थोड़ी बहुत Azure भी मैंने सीख रखी है। तो ये सब चीज़ें लाइक एडेड इन माई रेज्यूमे, और या तो मैंने बताया फर्स्ट पार्ट स्ट्रांग कर लो या सेकेंड, तो मेरी सेकेंड वाली ज़्यादा स्ट्रांग थी। सो दिस ओपन्स द डोर फॉर स्टार्टअप्स, फॉर ज्वाइनिंग द स्टार्टअप फॉर मी। और लाइक ये जो जो कंपनी ने मेरे को हायर किया वो एक स्टार्टअप, ये एक फिनटेक स्टार्टअप है जो बैंकिंग सॉल्यूशंस बनाती है। सो या तो अपना फर्स्ट पार्ट स्ट्रांग कर लो या सेकेंड, एंड दिस ब्रिंग्स द अपॉर्चुनिटी टू यू। ओके, तो अब हम जानना चाहेंगे कि मतलब अगर कोई दूसरा बच्चा है थर्ड पर्सन, वो जानना चाहता है कि ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करें, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स जो वो भी अप्लाई कर सकता है ऑफ कैंपस के लिए, कहाँ वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, ऐसी कोई साइट्स, ऐसी कोई ऐप पर्टिकुलर जो आपने फॉलो की हो? देखो, सबसे अच्छी साइट जो जॉब्स के लिए होती है, प्रोफेशनल के लिए, जैसे तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम होगी सोशल साइट, वैसे लिंक्डइन है प्रोफेशनल्स की साइट, ठीक है। अब तुम्हें लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल जितना अच्छा हो सकता है बनाना है, जितना अच्छा, क्योंकि मेरे हायर जो मेरे को किया था उसने मेरा लिंक्डइन प्रॉपर देखा था, मैंने उस पर लिखा था फाउंडर ऑफ एलिवेटिव हायर, तो उसने प्रॉपर उसको चेक करा था, उस पर बहुत से सवाल पूछे थे, 2 घंटे मेरा इंटरव्यू चला था, ठीक है। तो पहली चीज़ तुम्हें अपनी लिंक्डइन एकदम अच्छे से बनानी है, जितना अच्छा बना पाओ तुम, जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डाल पाओ, सर्टिफिकेशंस डाल पाओ, एंडोर्स होता है उसमें एंडोर्स करवा पाओ, ठीक है, अपना शेयर करते रहो, रिपोस्ट करते रहो, अपनी चीज़ें उस पर डालते रहो, ठीक है, नंबर वन। दूसरा है रेज्यूमे होता है, रेज्यूमे का लिंक अपना मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। उसमें क्या होता है, तुम्हें जितने अच्छे से अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखा पाओ, एक्सपीरियंस दिखा पाओ, अपने स्किल्स को दिखा पाओ, क्योंकि पहले रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होती है, ठीक है। उसके बाद से तुम्हारा क्या होता है, अलग अलग राउंड्स होते हैं, टेक्निकल राउंड, HR राउंड्स, ठीक है। मेरे केस में मेरा रेज्यूमे बहुत सही था, इसलिए मेरे रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। और लाइक कि साइट्स का पूछा तो लिंक्डइन जॉब्स बेस्ट है, तुम लिंक्डइन पे सर्च करना जो भी जॉब में तुम्हें करना है, उसमें जॉब्स का एक टैग आता है, उसको फिल्टर अप्लाई कर देना, पूरे जॉब्स आ जाएंगे, अप्लाई करते जाना जितने भी ऊपर। अब 3-4 साइट्स हैं बहुत फेमस है, जैसे angel.co, क्यूवेट टेक, इंडियन जॉब्स, ऐसे करके बहुत से जॉब्स हैं, गूगल करना टॉप जॉब साइट्स फॉर इंडिया एज SDE रोल या जो भी तुम्हें रोल चाहिए होगा, और उसमें प्रोफाइल बनाना, पहले टाइम देना हर प्रोफाइल बनाना, और उसके बाद अप्लाई करते जाना आग बंद करके। मैं बता रहा हूँ 100 पे अप्लाई करोगे, 4 तुम्हें मैसेज करेंगे, 2 प्रोजेक्ट्स देंगे, और 1 में तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह हो पाएगा, अगर होना होगा तो, मतलब 1:100 का रेशियो चलता है। तो जितना ज़्यादा 7-8 दिन तुम्हें बहुत से अप्लाई करने हैं,
और मेरे साथ भी हुआ था, मेरे पास भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आई थी, कुछ फ्री वाली आई थी, कुछ पेड आई थी। फ्री वाले तो मैं करता नहीं हूँ, ठीक है, और लाइक कुछ पेड आई थी जो कि 10-12 ऐसे दे रही थी एसजी वेब डेवलपमेंट के, बट मेरे को उतना स्टाइपेंड नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे को अच्छी खासी डेवलपमेंट आती है, तो आई गो फॉर अ लाइक बिग स्टाइपेंड एंड सैलरी टाइप ऑफ थिंग। सो मैंने लाइक ऐसे ही लिंक्डइन वगैरह पे अप्लाई करता रहा मैं, मतलब डेली अप्लाई करता था 3-4, और कभी कभी तो दिन भर ही मैं अप्लाई करता रहता था। बहुत से प्रोजेक्ट्स मैंने सबमिट किए और दे एडेड, लाइक ऐसा नहीं कि वेस्ट हो रहा हो, तुम्हारे एक्सपीरियंस में वो ऐड होगा। प्रोजेक्ट्स बना दोगे तो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में ऐड हो जाएगा, तुम्हें सीखने को मिलेगा कुछ, ये सारी चीज़ें ऐड अप द लाइक वो सब तुम्हें एक्सपीरियंस देती जाएंगी, लर्निंग्स देती जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द हायरिंग, कैसे तुम्हें अप्लाई करना है। ओके okay. तो अब मैं पूछना चाहूँगा कि व्हाट रोल यू आर ऑफर्ड, और कंपनी के बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें कि किस टाइप की कंपनी है ये, कैसा काम होता है, वर्क कल्चर थोड़ा आप बताएं। ओके, देखो केली नाम है कंपनी का और ये एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, और लाइक मैंने पहले अप्लाई किया, मैंने बताया था, और कुछ 15,000 वगैरह स्टाइपेंड वाली अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आई थी। बट द थिंग इज कि तुम्हें लाइक मेरा अभी स्टार्टअप में बहुत मन है कि मैं स्टार्टअप्स को एक्सप्लोर करूँ, सीखूँ बिजनेसेस वगैरह कैसे काम होता है अंदर। तो ये एक स्टार्टअप है, फिनटेक स्टार्टअप है, मतलब फाइनेंशियल और बैंकिंग सॉल्यूशंस बनाता है, सॉफ्टवेयर्स बनाता है, ठीक है। पहली चीज़, ये इसके को फाउंडर 3 जगह से हैं, इंडोनेशिया, सिंगापुर और इंडिया, आई थिंक, ठीक है, तीनों अलग अलग कंट्रीज के हैं। तो मेरे लिए लाइक बहुत सही अपॉर्चुनिटी है, मैं अलग अलग माइंड्स के साथ रहूँगा, सीखूंगा एक्सपीरियंस उनके साथ। सो मेरी लाइक ओवरऑल ग्रोथ होगी, प्लस द डेवलपमेंट स्टैक इज ऑल्सो गुड इन दिस, तो इसमें भी मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही, ठीक है। तो केली ही है सॉफ्टवेयर, और लाइक अभी नई कंपनी है, सो दे आर बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच, सो अलॉट टू लर्न, अलॉट टू लाइक एक्सप्लोर। तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कंपनी के बारे में बताया, तो व्हाट सैलरी यू आर ऑफर्ड देयर, मतलब अगर आप बताना चाहें, रिवील करना चाहें कि आपका जो सैलरी होगा वो किस हिसाब से रहेगा। वर्क कल्चर यार, ये सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, मैं वर्क कल्चर के बारे में बता रहा हूँ। 5 डे अ वीक रहेंगी, 8 आवर्स का काम रहेगा, ठीक है, और वही सॉफ्टवेयर डेवलपर SD1 पे मेरा रोल है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उनका जो भी स्टैक होगा, हर कंपनी का अपना स्टैक होता है, ऐसा नहीं तुम मन सीख रहे हो तो तुम्हें मन पे ही काम करेंगे, कुछ कंपनी का मन होता है, पर अगर तुम्हें एक स्टैक आती है तो स्विचिंग इज़ वेरी इजी फॉर यू। तो उनके स्टैक पे लाइक मैं काम करूंगा, और सैलरी अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, अगर मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, जितने में लोगों की प्लेसमेंट होती है उतनी मेरी अभी थर्ड ईयर में हो गई है, सो आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। इस अपॉर्चुनिटी को क्रैक करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज जो आपने फॉलो किए थे और आप दूसरों को बताना चाहेंगे। देखो YouTube इज द किंग, मैं हमेशा बोलता हूँ, सब चीज़ तुम्हें फ्री में मिल जाएगा YouTube पे, ठीक है, चाहे वो लर्निंग हो, कोडिंग हो, जो पहले पार्ट मैंने बताया DSA हो, स्ट्राइवर की प्लेलिस्ट सब जानते हैं, उसका सीट सब जानते हैं, ठीक है, हजारों प्लेलिस्ट हैं, हजारों सीट्स हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, रिसोर्सेज हैं, फ्री में तुम सब चीज़ फ्री में सीख सकते हो और बहुत अच्छे लेवल पर फ्री में सीख सकते हो, ठीक है। तो SD वगैरह सीट्स वगैरह लगाओ तो तुम्हारा DSA बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, डेली प्रॉब्लम लीड कोड के, डेली प्रॉब्लम गीक्स फॉर गीक्स, और तुम GFT अगर लगाते हो डेली तो तुम्हें T-shirt भी मिलेगा 40-50 दिन बाद, तो ऐसे T-shirt के लालच में लगा डालो और बहुत फायदा होगा, मैं बता रहा हूँ, बस तुम देख के ही सॉल्यूशन लगा लो, ठीक है, डेली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अपलोड हो जाते हैं, देख के सॉल्व कर लो, ठीक है। ये DSA वाली चीज़ हुई, दूसरी डेवलपमेंट वाली चीज़ है, बहुत सी प्लेलिस्ट है, 6-pack प्रोग्रामर, हैट्स ऑफ टू हिम, मेरा वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर है, मैं उसी से सिखाऊँ सब कुछ। तो 6-pack प्रोग्रामर है, कोड भी थैरी है, जावा स्क्रिप्ट मास्टरी, बेस्ट वन फॉर जावा स्क्रिप्ट लर्नर, नॉन स्टैक लर्नर, API कॉल रिएक्ट अगर सीखना है तो जावा स्क्रिप्ट मास्टरी सीख लो, थापा टेक्निकल है, बहुत सी चीज़ें बनाई है। तो मैंने यही फ्री रिसोर्सेज से ही ज़्यादातर चीज़ें सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोर्सेज वगैरह बाय किए हैं, और इसीलिए शायद सर्टिफिकेट्स मेरे पास उतने नहीं है जो कोर्सेज वाले होते हैं, बट प्रोजेक्ट्स मेरे पास बहुत ज़्यादा है, इंटर्नशिप वगैरह है बहुत सारी, तो इट ब्रिंग्स अ लाइक नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस टू मी। या तो मतलब आपने मोस्टली फ्री कोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज ही आपने यूटिलाइज किए हैं, और उससे काफ़ी अच्छे आपने स्किल्स ग्रैब किए हैं, और उसी से आज आप पे एक प्लेसमेंट ऑफर भी है। तो उससे पहले आपको रिजेक्शंस फेस करना पड़े थे कि दिस इज़ द फर्स्ट कंपनी यू अप्लाई एंड यू गॉट सिलेक्टेड? नहीं, ऑब्वियसली रिजेक्शंस हजारों हैं, बट एवरी रिजेक्शंस ब्रिंग सम नॉलेज, मैंने बताया ना 100:1 का रेशियो होता है, 100 में डेली अप्लाई करो, 1 में कॉल आएगा, ठीक है, वो भी कुछ ऐसे कंपनीज होंगी जो प्रोजेक्ट्स तो तुम सबमिट कर दोगे बट उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, अब तुम्हारे पास मेल के अलावा कुछ है नहीं, कितने मेल्स करोगे, कितना ही मेल करके रिस्पॉन्ड ले पाओगे, तो बहुत ही कम्युनिकेशन वन वे हो जाता है, बट प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो तुम्हें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा,
और मैं जो भी आते थे उनके प्रोजेक्ट्स तो बना ही देता था एक दो, बट लाइक कि कुछ होती है कि तुम्हें एक्सप्लोर भी करना होता है, देखना होता है किस समय पे कहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक सीट अवेलेबल थी तो मैंने अप्लाई कर दिया था और लाइक हो गया मेरा। उन्होंने ये भी पूछा था कि तुम थर्ड ईयर में हो ठीक है, फिर भी तुम्हें ये जॉब क्यों चाहिए। तो मैंने बोला कि हाँ मेरे पास अभी स्किल्स हैं इतनी कि मैं इस जॉब पे अपने आप को सुटेबल समझता हूँ, इसीलिए मैंने अप्लाई किया था। सो दिस वॉज द थिंग कि तुम्हें पहले पढ़ना है और लाइक कि जितना भी एक्सप्लोर कर पाओ, जितना भी तुम ट्राई कर पाओ, ट्राई करते रहो, बस यही है। तो यार काफ़ी अच्छे से तुमने काफ़ी डिटेल्स में चीज़ों को क्लियर किया है काफ़ी हद तक। तो लास्ट मेरा ये क्वेश्चन रहेगा कि आपकी कुछ एडवाइस जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या रहेगी? देखो जितना भी एक्सप्लोर कर पाओ तुम करो कॉलेज में, ठीक है। कॉलेज में तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है, फर्स्ट ईयर के पास तो एकदम नहीं रहता है, सेकंड ईयर के पास भी उतना नहीं रहता है, पर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में तुम्हारे पास आ जाती है थोड़ी बहुत चीज़ें कि हाँ मेरे को अब ये करना है। तो जितना एक्सप्लोर कर पाओ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में करो। मैंने ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखी ताकि मेरे को हायर ना करना पड़े कोई पोस्टर वगैरह डिजाइनर वगैरह। अभी मैं स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ दो तीन, तो द थिंग इज कि जितना तुम एक्सप्लोर करोगे तुम्हारे लिए उतना ही चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैंने सी एस आई इनफैक्ट इतना इसीलिए लिया था ताकि मेरे को वेबसाइट ऐप किसी और से ना बनवानी पड़े, मैं खुद ही बना लूँ, ठीक है। सो वन मैन आर्मी तुम बन सकते हो एंड आई कैन गिव यू द प्रूफ कि लाइक मुझे कंटेंट राइटिंग के लिए मैंने चैट जीपीटी सीख ली, प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। 9 रुपए के कोर्सेज आते हैं उसके, तो बहुत सारे तुमने देखा होगा, ठीक है। उसके अलावा ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीख ली ताकि पोस्टर्स ना बनवाने पड़े, वेबसाइट मैंने एलिवेटर के खुद ही बनाई है। तो जितना एक्सप्लोर कर पाओ फर्स्ट ईयर में उतना ही अच्छा है। और लाइक मैंने इंटरव्यूज दिए हैं जिससे मेरी बोलने की चीज़ें सही हो गई हैं, टॉकिंग सेंस सही हो गया है। तो अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करो जितना कर पाओ। 3 राउंड हुए थे मेरे एचआर वाले, मतलब वो जो भी हायरिंग था, और लगता है मेरे को वन ऑफ द मेन फैक्टर यही था कि पहला तो नॉलेज ऑब्वियसली है क्योंकि उन्होंने टेक्स्ट टैग पूछा था, ठीक है, कोडिंग क्वेश्चन पे लगवाए थे ऑनलाइन, और एक प्रोजेक्ट भी ऑनलाइन बनवाया था डायरेक्ट डीए का कि स्क्रीन शेयर करके प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। मेन कोर सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन पूछे थे। तो लाइक तुम्हें लर्निंग भी अपनी मेंटेन रखनी है, लर्निंग कर्व को एकदम या तो कांस्टेंट रखोगे तो ठीक ही है, बट ट्राई करोगे थोड़ा अपवर्ड में रहे, थोड़ा एक्स्ट्रा लर्निंग करते रहो तुम हर दिन। और लाइक अलग अलग फील्ड्स एक्सप्लोर करो जितना चाहो, ऐसा नहीं है कि एसडी के हो तो एसडी में केवल मतलब कोडिंग करते रहो। मेरे कुछ दोस्त हैं जो दिन भर कोडिंग करते हैं एंड मैं उनसे दूर ही रहता हूँ कि हाँ भाई ठीक है तुम कोडिंग करो, मतलब बट वही है जितना कि अलग अलग आपको फील्ड सिटी को एक्सप्लोर कर पाओ। एक्सप्लोर करना है, मल्टीपल डोमेन्स को आपको टच अप करना है अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में इनिशियल स्टेज में। ग्रेट यार, तो यार काफ़ी सारे आपने क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। तो गाइस आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपको ये वीडियो हेल्प करने वाली है। तो आपको लगता है जिस बंदे के लिए अभी प्लेसमेंट आने वाली है या आपका छोटा भाई बहन जिसको आप इंस्पायर कर सकते हैं इस वीडियो से, तो ज़रूर शेयर करो वीडियो को और वीडियो को लाइक करो। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाना आप लोग। अगर हाँ आपको कोई डाउट रह गए हैं जो कि आपको पूछना है पर्सनल, तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और शिवांश की जो भी सोशल मीडिया एक्टिव लिंक्स हैं वो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो उससे और पूछ सकते हो सवाल। तो थैंक्स शिवांश फॉर कमिंग ऑन माई चैनल और बहुत अच्छे से यार तुमने एक्सप्लेन किया। थैंक यू अभिमन्यु फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर इंटरव्यू, थैंक यू वेरी मच। To change up.